Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. सोलन में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। आए दिन कहीं ना कहीं बंदर लोगों को शिकार बनाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला सोलन के टैंक रोड का है, जहां बंदरों ने एक महिला पर अचानक हमला बोल दिया। महिला अपना बचाव करते हुए सड़क से 25 से 30 फुट नीचे गिर गई, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन लाया गया। इलाज के दौरान उसकी बाजू व टांग में डॉक्टर द्वारा फ्रैक्चर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महिला अपने घर से घरेलू सामान खरीदने के लिए घर के समीप दुकान पर गई थी। वापसी में सड़क किनारे बने कूड़ेदान से बंदरों की टोली ने उस महिला पर हमला कर दिया। अपना बचाव करते हुए महिला सड़क से नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल पहुँचाया गया है। महिला के बेटे विजय कुमार ने बताया कि उसकी मां राशन लेकर घर वापस आ रही थी कि तभी कूड़ेदान में बैठे बंदरों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि बंदरों ने अपना बचाव करते हुए उनकी मां सड़क से नीचे गिर गई, जिस वजह से उसकी बाजू व टांग में फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने कहा कि बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द बंदरों से निजात दिलवाने की मांग की है। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं सोलन टैंक रोड में रहने वाला हूँ। आज मेरी मम्मी सामान लेने के जा रहे थे एक दुकान की, और दुकान से सामान लाते वक्त वापसी आते हुए वहाँ पे सड़क से थोड़ा सा ऊपर डस्टबिन है, वहाँ से बंदरों ने मम्मी के ऊपर झपटे, जिस वजह से मम्मी कम से कम 25-30 फुट नीचे जा गिरे। उस वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और पैर भी फ्रैक्चर हो चुका है, और स्पाइन में प्रॉब्लम आ चुकी है, फिर उनसे हिला भी नहीं जा रहा है। बंदरों का आतंक बहुत हो चुका है हमारे सोलन में। इस बंदरों से हमारी फसलें भी इन्होंने हमारे नुकसान कर रखा है। आए दिन रोज़ लोगों को बंदरों का सहना पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले बच्चों को वहाँ चलना मुश्किल हो चुका है। बस यही मांग करते हैं कि इन बंदरों से छुटकारा दिया जाए हमारे को। हमारे लिए बहुत बंदर हो चुके हैं, यहाँ पे बच्चों का चलना सबका मुश्किल हो चुका है। बच्चे बूढ़े सब कोई भी चले तो मुश्किल हो चुका है हमारे यहाँ पे चलना। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।